नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में फिर बढ़ने लगा कोरोना, सामने आए 120 नए केस। ऊना के एक नर्सिंग कॉलेज की ही 53 छात्राएं संक्रमण की चपेट में। नई दिल्ली में 85 कमरों का बनेगा हिमाचल भवन, नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर सीएम जयराम ठाकुर ने सदन में दी जानकारी। लाहौल स्पीति के स्कूलों में छुट्टियों के कैलेंडर में होगा बदलाव, शिक्षा विभाग ने उपनिदेशकों से मांगे सुझाव। छात्रों को बड़ी राहत, इग्नू में प्रवेश की तिथि बढ़ी, अब 31 मार्च तक करें आवेदन। पशुपालन विभाग ने नहीं मांगे कोई आवेदन, सोशल मीडिया में वायरल विज्ञापन पर विभाग ने स्पष्ट की स्थिति। टैक्स माफ नहीं किए गए तो चक्का जाम, निजी बस ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार को दी चेतावनी। ऊना में सेना भर्ती रैली कल से, 33,225 युवाओं ने करवाया पंजीकरण, हर दिन 2,500 आजमाएंगे किस्मत। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद, राठौड़ बोले दिनों दिन बिगड़ रही कानून व्यवस्था से दहशत में लोग। 74 साल बाद गांव में पानी देख खुशी से झूम उठे बसनोड़ के लोग, भगैरकतल पंचायत की नवनिर्वाचित प्रधान आंचल ने महज 35 दिन में कर दिखाया समस्या का समाधान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। मंगलवार को टेस्ट किए गए 6,000 में से ज्यादा सैंपल में से करीब 120 नए केस अब तक आए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 53 केस ऊना में हैं। यहां नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं में बड़ा संक्रमण पाया गया है। एक साथ मिले इतने मामलों के कारण कुल एक्टिव केस भी हिमाचल में 820 हो गए हैं, जबकि एक नई डेथ के साथ कुल मौतें 998 हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि नई दिल्ली में द्वारका सेक्टर 19 में राज्य अतिथि गृह का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें 85 कमरे बनेंगे, जिसकी ड्राइंग और डिजाइन को तैयार कर लिया गया है। इसी तरह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉम्प्लेक्स गुजरात में भी हिमाचल भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी विधायक सुखविंदर सुक्खू की तरफ से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के स्कूलों में छुट्टियों के कैलेंडर में बदलाव होगा। लाहौल स्पीति एरिया से डिमांड आने के बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिला के उपनिदेशकों से सुझाव मांगे थे। अब सुझाव आने के बाद यह मामला प्रदेश सरकार को भेजा गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार से इसके लिए मंजूरी मिल जाएगी। यदि ऐसा होता है तो इन एरिया में नए सत्र से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जनवरी 2021 सत्र के लिए विभिन्न मास्टर, बैचलर डिग्री तथा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इग्नू जनवरी 2021 सत्र के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी तथा विभिन्न डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए इच्छुक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। इन दिनों ग्रामीण पशुपालन निगम लिमिटेड नाम की एक संस्था द्वारा फील्ड के अधिकारियों के पद भरने का विज्ञापन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला ध्यान में आते ही पशुपालन विभाग के निदेशक ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार या पशुपालन विभाग द्वारा ऐसा कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। यह शातिरों की प्रदेश के भोले भाले युवाओं को ठगने का प्रयास है, लिहाजा युवा इस फर्जी विज्ञापन के झांसे में ना आकर आवेदन ना करें। निजी बस ऑपरेटर संघ चम्बा ने स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स माफ करने के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। इस संदर्भ में बकायदा संघ की ओर से आरटीओ के माध्यम से एक ज्ञापन भी सौंप कर स्पष्ट कह दिया गया है कि यदि 19 मार्च की कैबिनेट बैठक में यह टैक्स माफ नहीं किए गए तो निजी परिवहन मालिक भूख हड़ताल करने के साथ चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। निजी बस ऑपरेटर संघ चंबा के अध्यक्ष रवि महाजन ने कहा कि चूंकि कोविड-19 के दौर में बसें नहीं चली हैं, कारणवश निजी परिवहन मालिकों को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए 31 मार्च 2021 तक दोनों तरह के टैक्स माफ होने चाहिए। आज हमारी जो मासी बात थी, जिसमें सभी निजी बस वाले जो हैं बसते रहे, तो हमने सरकार से हमारा जो है माफ किया जाए, परंतु सरकार इसको ढीले में ले रही है। आज तक हमें जो है सरकार द्वारा आश्वासन ही मिले हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। हमारी कई गाड़ियों की पासिंग ड्यू हो चुकी है,
सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अभी कैबिनेट की मीटिंगें कितनी हो चुकी हैं पर कोई भी जो है इसमें डिसीजन नहीं हुआ हमारे लिए। तो मैं सरकार से फिर गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आने वाली 19 तारीख को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है उसमें हमें जो है एसआरटी टोकन टैक्स में राहत दी जाए। ऊना में 17 मार्च से शुरू हो रही भर्ती रैली में स्टाफ व अभ्यर्थी दोनों को कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना अनिवार्य की गई है। लोक संपर्क अधिकारी जालंधर गगनदीप कौर ने बताया कि कोविड 19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के उपरांत यह प्रथम भर्ती रैली है। इसके लिए बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर व किन्नौर से लगभग 33,225 अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अपनी तथा अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए कोरोना सुरक्षा मानकों की अनुपालना करना जरूरी होगा। भर्ती के दौरान लगभग 250 अभ्यर्थी प्रतिदिन भाग लेंगे। गगनदीप कौर ने बताया कि ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिला से संबंधित युवाओं के लिए 17 से 27 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया होगी। इसमें सोल्जर जीडी के लिए 17 से 22 मार्च, क्लर्क व एसकेटी के लिए 23 मार्च, धर्मगुरु जेसीओ और फार्मा सिपाही के लिए 24 मार्च को भर्ती होगी, जबकि इन जिलों से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा जांच 25 से 27 मार्च को होगी। इसी तरह सोलन, सिरमौर, किन्नौर और शिमला से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 28 मार्च से 2 अप्रैल तक सोल्जर जीडी, क्लर्क व एसकेटी के लिए 2 अप्रैल तक भर्ती होगी तथा इन जिलों से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा जांच 6 अप्रैल तक चलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़ ने प्रदेश में दिनों दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता प्रकट करते हुए कहा है कि अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों में भय व दहशत फैलती जा रही है। ऊना में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर एक व्यवसायी से लूटपाट और सोलन जिला के बद्दी में एक महिला का कटा हुआ सिर मिलना प्रदेश में कानून व्यवस्था की पूरी पोल खोलता है। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में चोरी डकैती तो हर रोज का साधारण सा मामला हो गया है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे दिन दहाड़े किसी के घर में भी सेंध लगा कर रफू चक्कर हो जाते हैं और पुलिस हाथ मिलती रह जाती है। राठौड़ ने ऊना में दिन दहाड़े एक व्यवसायी से लूटपाट और उस पर की गई गोलीबारी की घटना को अति गंभीर बताते हुए प्रदेश सरकार से पड़ोसी राज्यों से सटी सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाने का सुझाव देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर तुरंत ध्यान देने को कहा है। आज के दौर में कौन नहीं चाहता कि उनका गांव पंचायत और शहर विकास के पथ पर सबसे आगे ना हो। इसको लेकर लोग एकजुट होकर प्रयास भी करते हैं और भले देर से ही सही लेकिन उनकी मेहनत रंग लाती है। हम बात कर रहे हैं नवगठित और पिछड़ी पंचायत बगैर अख्तल की। इस पंचायत की नवनिर्वाचित प्रधान आंचल राजपूत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे आज तक पढ़े लिखे राजनीतिक पहुंच वाले प्रधान, एमएलए और मंत्री भी नहीं कर सके। आंचल राजपूत ने प्रधान बनते ही महज 35 दिनों में 74 साल की समस्या को हल कर दिया है, जिससे बसनोड़ गांव के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि आजादी के 74 साल बाद गांव में नल का देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। गौरतलब है कि इस गांव के लोगों को इससे पहले घरों से बहुत दूर बने एक पुराने टैंक से पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। युवा प्रधान का कहना है कि वह अपनी पिछड़ी पंचायत बगैर अख्तल को विकसित व नशा मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी काफ़ी पिछड़ी पंचायत है। हमारी पंचायत में स्वास्थ्य, यातायात, सड़क, पानी की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तथा मेरी पंचायत का एक ऐसा गांव था जहां आज़ादी के 74 सालों बाद भी घरों में नल नहीं थे। तो मैंने गांव की जनता से वादा किया था कि प्रधान बनने के बाद मैं सबसे पहला काम आपका यही करूंगी। तो आज लोग काफ़ी खुश हैं और मैं भी खुद को काफ़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जो काम इतने वर्षों से नहीं हुआ हम उस काम को करने में कामयाब रहे। तथा मैं धन्यवाद करना चाहूँगी श्री प्रकाश राणा जी का, जिनके सफल प्रयासों के कारण आज जोगिंद्रनगर काफ़ी विकसित हो रहा है। साथ में धन्यवाद करती हूँ जल शक्ति विभाग के कर्मठ सहायक श्री प्रदीप राठौर जी का, जिन्होंने इस काम को काफ़ी शीघ्रता से पूरा किया और साथ में जिन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे पापा मिस्टर चमेल सिंह राजपूत जी, जिन्होंने मेरा हमेशा मार्गदर्शन किया, उनका भी आभार प्रकट करती हूँ तथा जन कल्याण समिति के पदाधिकारियों का और साथ में ही मीडिया कर्मियों का भी आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।